जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स की ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सोर्स का ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोगों ने इस तरह से बताया था कि ये एक सोर्स है। इस सोर्स के साथ यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इस्तेमाल की थी। ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये जो चीज़ है ये हमारा सोर्स है जो इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है। ये सोर्स की EMF E है। EMF की वजह से जो है वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता चला जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में बात की है कि किसी भी सर्किट की जो EMF है वो बराबर होती है I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल R। और हमें ये भी मालूम है कि इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में कुछ ना कुछ पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। जो भी पावर प्रोड्यूस होती है, होना तो ये चाहिए कि हमारी इनपुट पावर जो है वो हमेशा हमारी आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी कुछ पावर जो है वो लूज हो जाती है या पावर डिसिपेशन हो जाती है। इस रेजिस्टेंस आर की वजह से हमारी पावर जो है कम हो जाती है। जो कैपिटल रेजिस्टेंस आर है, जिसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये पावर डिसिपेशन शो करती है। इसकी वजह से जो सर्किट की पावर है वो कम हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, पावर लॉसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इसमें ना होल्ड नहीं करता। यानी कि कोई भी चीज़ हो उसमें आइडियल चीज़ नहीं होती, ये वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जितनी इनपुट पावर हमें देनी चाहिए इस सर्किट को, उतनी ही रिजल्ट में हमें आउटपुट पावर भी मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में बात की है कि हर सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ पावर लॉसेज हो जाते हैं और वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से होते हैं। इस रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर कुछ और भी लगा हो सकता था, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगा हो सकता है जिसकी वजह से पावर लॉसेज हो जाए। हमने बात की थी कि अगर पावर डिसिपेशन की बात की जाए तो हमारी जो पावर है वो आई स्केयर इंटू आर के इक्वल आ जाती है। ये हमारी पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में निकाला था। आज हम बात ये करते हैं कि हमें इस बैटरी की वजह से इनपुट पावर तो पता चल गई कि हमने कितनी इनपुट पावर इसको दी होगी, लेकिन ये आउटपुट पावर का मसला है क्योंकि इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि इनपुट पावर के बराबर निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी। यानी कि इसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आ जाता है, चूँकि इसके बराबर तो कभी भी नहीं आ सकती। कुछ ना कुछ तो चाहे दो तीन पॉइंट्स का ही फ़र्क पड़ा हो, थोड़ी सी एक दो वैल्यू का भी क्यों ना फ़र्क पड़ा हो, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हमें आउटपुट पावर मालूम करनी हो कि इस बैटरी के वजह से इस सर्किट में जितनी इनपुट पावर गई थी, इस सर्किट ने, इस बैटरी ने ही इसे इनपुट पावर दी ना, तो एज अ रिजल्ट जितनी आउटपुट पावर हमें मिलेगी वो कितनी हो कि हमें पता चले कि आया कि वाकई इसमें पावर लॉसेज हुए हैं, पावर डिसिपेट हुई है। तो वो मालूम करने के लिए आज हम लोग जो हैं वो पावर आउटपुट सीखेंगे कि पावर आउटपुट किस तरीके से मालूम करते हैं। यहाँ पर पावर आउटपुट आना चाहिए, ये पावर आउटपुट। पावर आउटपुट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पिछली वीडियो में किया गया काम को रिपीट करना पड़ेगा। हमने कहा था कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इनपुट पावर है वो हमेशा हमारी आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। ये हमारी इनपुट पावर है और ये हमारी आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर, इनपुट पावर के बारे में तो हमें मालूम है कि हमारी इनपुट पावर वही पावर है जो इस बैटरी की EMF है, यानी E इंटू आई। चूँकि वोल्टेज को हम I इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज को I इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पावर होती है, पावर को अगर वोल्टेज की फॉर्म में लिखें तो ये V डिवाइडेड बाई आर स्केयर हो जाता है, या V इंटू पावर इज इक्वल्स टू VI हो जाता है। इस तरह से ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि किस तरीके से वोल्टेज और पावर को लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम EMF के साथ पावर को रिलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे पावर को अगर यहाँ पर वोल्टेज की फॉर्म में VI लिखा है तो यहाँ पर EMF की फॉर्म में मुझे यहाँ पर E इंटू आई लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं E इंटू आई लिख दूँ तो ये मेरे पास इनपुट पावर है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये बात की है कि अगर ये इनपुट पावर है तो जो आउटपुट पावर है वो हमारी P इंटू कैपिटल R, जो इस कैपिटल R के पास पावर हुई है वो, प्लस P इंटू वो वाली रेजिस्टेंस यानी P इंटू स्मॉल R। ये स्मॉल R जो है इस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसने भी कुछ ना कुछ पावर तो कंज्यूम की होगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट हमारा यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के अंदर भी जाता है जो सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पावर यहाँ पर भी डिसिपेट हुई होगी। तो यानी कि पावर आउटपुट का फार्मूला निकालने के लिए हमें इन दोनों पावरों का एडिशन लेना पड़ता है।
जो पावर यहाँ पर इस्तेमाल हुई और जो पावर यहाँ पर इस्तेमाल हुई, उन दोनों का हम लोगों ने एडिशन जो है यहाँ पर लिख लिया। अब हम अगर सिर्फ करंट के लिए वैल्यू निकालना चाहेंगे, पहले इस पावर को इस तरीके से लिख लेती हूँ कि पावर का जो फार्मूला है यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि E इंटू आई जो है यहाँ पर आई स्केयर इंटू कैपिटल R, जैसे कि अभी हम लोगों ने पावर डिसिपेशन का फार्मूला लिखा था, और उसके बाद आई स्केयर इंटू स्मॉल R। अगर मैं दोनों इक्वेशन से I को कॉमन ले लूँ, इसे इस साइड से भी I जो है इस तरीके से है, और यहाँ पर I अगर कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आई स्केयर की फॉर्म में है, तो यहाँ पर R इंटू आई प्लस आई इंटू आर रह जाएगा। ये वाला आई जो है यहाँ पर इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मौजूद जो आई है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि करंट तो वही इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर एक ही तरह का फ्लो करना है। तो अगर उसे हम लोग कॉमन लेके काट भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो EMF है वो बराबर आ जाती है आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जैसा कि अब तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। ये सारा का सारा काम अभी वही चल रहा है जो हम जो है पिछली वीडियो में कर आ चुके हैं। अब इसके बाद सिर्फ अगर यहाँ से मैं करंट के लिए रिलेशनशिप निकालूँ, करंट के लिए करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो करंट को मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ कि मुझे करंट मालूम करना है, तो पहले तो मैं इस इक्वेशन से करंट को कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन से मैं इजीली आई को फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कितना करंट इस सर्किट के अंदर जो है इस ई की वजह से फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर इसके बाद आप गौर करें कि अगर मुझे पावर आउटपुट चाहिए, तो पावर आउटपुट मैंने बताया कि ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की पावर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो पावर है उसके एडिशन के बराबर आएगी। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसकी वजह से पावर लॉसेस या पावर डिसिपेशन नहीं होती। ज़्यादातर पावर डिसिपेशन और पावर लॉसेस सिर्फ इस कैपिटल आर की वजह से होते हैं। अब इस कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से जो पावर डिसिपेशन हुई है उसकी वजह से ही हमारे पास जो है आउटपुट पावर कम आती है। तो बेसिकली हमें इसको लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए पावर आउटपुट के फार्मूले में। मैं इसे इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जो पी आर है ये बहुत निग्लिजिबल है, या इसमें जो पावर लॉसेज हैं बहुत कम होते हैं इसकी वजह से, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी पावर लॉसेज हुई हैं वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वजह से हुई हैं। आपको मालूम है कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ लगी है, इसमें से करंट आई पास कर रहा है। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर से रेजिस्टेंस भी मौजूद हो, उसके अंदर से करंट भी पास कर रहा हो, तो इसका मतलब है उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज वी भी होता है। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज वी है। तो अगर मैं पावर आउटपुट को इस तरीके से लिखूँ कि जो मेरी पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट, तो इसे मैं वी इंटू आई की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वी इंटू आई ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पावर लिख रही हूँ ना। अगर मैं वोल्टेज लिखती तो वो आई इंटू आर आना था। अब चूंकि मैं पावर आउटपुट बता रही हूँ और पावर जो है वो वी इंटू आई के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, तो अब मेरे पास जो है पावर आउटपुट वी, जो पावर आउटपुट है वो इज इक्वल्स टू वी इंटू आई आ गई। अब अगर मैं इसे मज़ीद पावर डिसिपेशन की फॉर्म में लिखूँ, तो मैं इसी फॉर्मूले को पावर आउटपुट को आई स्केयर इंटू आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि पावर डिसिपेशन होती एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से है, और पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला जो है स्केयर इंटू आर है। इसका मतलब है जितनी भी पावर आउटपुट हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होगी हमारे पावर लॉसेज पे। जितने पावर लॉसेज हुए होंगे उतनी ही हमारी आउटपुट पावर कम आएगी। अगर तो पावर लॉसेज कम हुए हैं तो इसका मतलब है हमारी आउटपुट की वैल्यू जो है, पावर आउटपुट की वैल्यू वो हमारी इनपुट पावर के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं इस करंट की जगह इस EMF की वैल्यू, जो करंट की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है EMF से, अगर ये यहाँ पे मैं पुट कर लूँ, तो मेरे पास जो है पावर आउटपुट के लिए फार्मूला निकल आएगा, यानी कि मेरे पास पावर आउटपुट की जो वैल्यू है वो इस तरीके से है कि आई स्केयर, आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, ये हमारे पास आई की वैल्यू है। इसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर मैं इसे अब खोलूँ तो ये मेरे पास कुछ इस सिचुएशन का फार्मूला बन जाएगा कि ई स्केयर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर होल स्केयर इंटू कैपिटल आर। अब इस चीज़ को आप लोग देखें तो इस सिर्फ इस फार्मूले पर थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि इस फार्मूले को आप लोगों ने अलजबरा में पढ़ा है कि अगर आपके पास ए प्लस बी का होल स्केयर हो तो आप उसे ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाज़ अवकात ऐसा भी होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि अगर हम लोगों को अलजबरा का कोई क्वेश्चन या कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो
तो हम अपनी तरफ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी इक्वेशन में एक ही चीज़ को एक दफ़ा प्लस भी करूँ और माइनस भी करूँ तो उससे उस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं -2ab को माइनस भी कर दूँ इसी इक्वेशन में और प्लस भी कर दूँ इसी इक्वेशन में तो इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं आखिर ऐसा कर क्यों रही हूँ। इसकी रीज़न भी मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन इसे मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने फॉर्मूले को बहुत ही सिंप्लीफाई और जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख सकूँ, ताकि आसानी से आप पावर आउटपुट को किसी भी सर्किट के लिए फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा कि यहाँ पर मेरे पास जो फार्मूला है अब इस तरीके से बन जाएगा कि क्यों ना मैं माइनस का फार्मूला एक तरफ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं प्लस का फार्मूला आपस में रखूँगी तो फिर मुझे इन दोनों चीज़ों को इक्वेशन में इंट्रोड्यूस कराने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसे मैंने इक्वेशन में इसलिए इंट्रोड्यूस कराया ताकि मैं एक शॉर्टकट फार्मूला जो है वो बना सकूँ। अब मैं माइनस को यहाँ पर इस फॉर्मूले में ऐड कर लेती हूँ, 2ab को 2ab के साथ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास a² प्लस b² माइनस 2ab एक तरफ आ जाएगा और प्लस 2ab प्लस 2ab एक तरफ हो जाएगा। ये आपस में ऐडअप हो गए, 4ab बन जाएंगे और यहाँ पर a माइनस b का होल स्केयर आ जाएगा। इसका मतलब है कि a प्लस b का होल स्केयर जो है a माइनस b के होल स्केयर प्लस 4ab के इक्वल होता है, जिसे कि हम लोग अलजेब्रा में बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो हमारा a है ये हमारी कैपिटल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r के इक्वलेंट है और जो b है वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल है जो कि सोर्स की रेजिस्टेंस है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि कैपिटल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल r माइनस, और यहाँ पर स्मॉल r आना चाहिए चूँकि b स्मॉल r के इक्वल है, यहाँ पर स्मॉल r और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल r इंटू स्मॉल r। तो अब मैं अपने इस फॉर्मूले में इस चीज़ की जगह पर ये फार्मूला लिख सकती हूँ जो कि मैंने अभी निकाला है। इसका मतलब है कि हमारी जो पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट इस तरीके से है कि हमारी यह पावर आउटपुट का जो फार्मूला है वो ये है कि e स्केयर r डिवाइडेड बाई r प्लस स्मॉल r का होल स्केयर। इस r प्लस स्मॉल r की जगह मैं r माइनस स्मॉल r का होल स्केयर प्लस 4 कैपिटल r इंटू स्मॉल r लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसे पुट कर दूँ तो e स्केयर इंटू कैपिटल r डिवाइडेड बाई r माइनस स्मॉल r का होल स्केयर प्लस 4 कैपिटल r इंटू स्मॉल r, तो ये मेरे पास पावर आउटपुट निकल आएगी। इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से आप पावर आउटपुट किसी भी सर्किट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ही कम होती है, आपको मालूम होता है उसकी वैल्यू गिवन होती है क्योंकि वो सोर्स की रेजिस्टेंस होती है। अगर इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ये ज़ीरो होगी, तो ऑब्वियसली जो आपकी पावर आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो आर है ये नीचे भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये जो है ज़ीरो कर देगा इस पूरी की पूरी इक्वेशन को। इसका मतलब है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अगर ज़ीरो हो तो पावर आउटपुट बहुत ही कम होंगे, यानी कि पावर लॉसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो स्मॉल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ये इतनी ज़्यादा होगी है कि ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से पावर लॉसेस होते हैं बिल्कुल उसके इक्वल होगी है। हम लोगों ने तो यही बात की ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस केस में, सिर्फ इस केस में बहुत ही छोटी है, फर्ज कर लीजिए कि वो नेग्लिजिबल है, तब जाके हमारे पावर आउटपुट का सारा जो है वो दारोमदार है या वो डिपेंड कर रहा था, वो सिर्फ इस कैपिटल आर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि इस कैपिटल आर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से ही पावर लॉसेस या पावर डिसिपेट हो रही थी। लेकिन अगर बात ये हो जाए कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो इससे जो है हमारे पावर आउटपुट का फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि e स्केयर इंटू कैपिटल r डिवाइडेड बाय r माइनस, यहाँ पर स्मॉल r की जगह भी मैं अगर कैपिटल r पुट कर लूँ और यहाँ पर प्लस 4 इंटू r का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि जो अब स्मॉल r है वो कैपिटल r के इक्वल आ गया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा वो e स्केयर डिवाइड इंटू r डिवाइडेड बाय 4r स्केयर है, एक आर स्केयर इस आर से कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बचेगा पावर आउटपुट का वो ई स्केयर डिवाइडेड बाय 4r है। तो यानी कि जब भी आपको पावर आउटपुट आपके पास मैक्सिमम उस सिचुएशन में आएगी जब आपके पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी उस वक्त हमारे सर्किट में पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और उस सिचुएशन में हमारी जो पावर है
पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगी, हमारी पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर लॉसेज हो जाएंगी, क्योंकि इस सिचुएशन में तो हमारी एक्सटर्नल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बहुत छोटी है, वो भी हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वलेंट आ गई है। इसका मतलब है जितनी पावर डेसिपेट हमारी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, उतनी ही सर्किट में पावर जो है डेसिपेट इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी होना शुरू हो गई है। तो उस सिचुएशन में जो हमारी पावर आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि इस के डिवाइडेड बाई 4R के इक्वल आ जाएगी। तो इस सिचुएशन से हम लोगों को इस फार्मूला रखने से हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो हमारे पास जो पावर डेसिपेशन है वो कम होगी और पावर आउटपुट की वैल्यू जो है वो कम निकलेगी। और अगर अब पावर आउटपुट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये उस सिचुएशन में होगा जब हमारे इनपुट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। उस सिचुएशन में हमारी जो पावर आउटपुट है वो हमारे पास ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगी। और जैसे कि मैं बात कर रही थी, हम लोगों ने स्टार्ट में ही बात की कि हमारी आउटपुट पावर कभी भी हमारी इनपुट पावर की वजह से नहीं आती। आउटपुट पावर में जितने भी लॉसेज होंगे वो सिर्फ इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वजह से होंगे। अगर ये भी उतनी ही रेजिस्टेंस होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी के बराबर हो गई है, तो इसका मतलब है जितने पावर लॉस इसने करने हैं उतने पावर लॉसेज ये भी करेगी। तो ओवरऑल जो हमारी पावर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी या बहुत ज़्यादा उसमें डेसिपेशन हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पावर आउटपुट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। और वो हो सकता है कि वो जो हमारा इनपुट पावर है उसके बराबर ना आए, क्योंकि इनपुट पावर और आउटपुट पावर कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। बहुत आइडियल केस है जिसमें ये दोनों बराबर आए, वरना किसी भी सर्किट में किसी भी आप चीज़ की पावर इनपुट या आउटपुट मालूम करें तो जितनी इनपुट आप उसको देंगे कभी भी उसके बराबर आउटपुट नहीं आती। और उसके बराबर आउटपुट ना आने की वजह सिर्फ पावर डेसिपेशन या पावर लॉसेस हैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वजह से होते हैं। और जितनी हमारी पावर आउटपुट आती है उसकी वैल्यू का जो है वैल्यू डिपेंड ही हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर करती है, और इसके अलावा बाज़ अवत इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी, बल्कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी करती है कि अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है तो हम उसे निगलिजिबल कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी।